90 के दशक में बनने वाली एक्शन फिल्म में ये चेहरा नजर आ ही जाता है। इनकी डायलॉग डिलीवरी कुछ ऐसी थी कि जब यह शायरान अंदाज में अपना कोई संवाद बोलते थे तो लगता था मानो कोई शैतान कविता पढ़ रहा लगा हो। दो दशक लंबे अपने फिल्म करियर में इशरत अली ने 150 भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा के शौकीन के जहन में अपनी कभी न कभी मिटने वाली छाप छोड़ने में कामयाब रहे। तो चलिए जानते हैं आज इशरत अली की जीवन परिचय, तो वीडियो तक अंत तक बने रहें। इशरत अली का जन्म कब हुआ इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो उपलब्ध नहीं हुआ, मगर कुछ लोग का दावा करते हैं कि इनका जन्म 14 जुलाई 1991 को मुंबई में हुआ था, जबकि कुछ लोग कहते हैं इनका जन्म मुंबई में नहीं लखनऊ में हुआ था और जब ये छोटे थे तब इनका पिता अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए थे। इशरत अपने दोस्त के साथ अक्सर मजाक में फिल्म का डायलॉग बोला करते थे। एक दिन के दोस्त ने इनसे कहा कि तुम्हें फिल्म के लिए कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत में तो इन्होंने दोस्तों के बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब दोस्त बार बार इन्हें फिल्म में जाने के लिए कहने लगा तो इन्होंने मन बना लिया कि ये फिल्म में ही काम करेगा। हालांकि इन दोनों ने अपने पिता के बिजनेस में इनका हाथ भी बटा रहे थे, ऐसे में अपना खुद का बिजनेस छोड़कर फिल्मों में जाना इन्हें काफ़ी मुश्किल लग रहा था। ये मुश्किलता तब और ज़्यादा बढ़ गई जब एक दिन अचानक इनके पिता का निधन हो गया। पिता के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी इशरत अली के कंधों पर आ गई। इशरत ने फैसला कर लिया कि परिवार की जिम्मेदारी पूरी करेगा, बहन की शादी करेगा, तब फिल्मों में काम करने का अपना सपना पूरा करेगा। अपनी बहन की शादी के बाद इशरत ने अपने सपने पूरा करने का फैसला किया। ये फिल्म जुड़ने चाहते थे, फिर चाहे कोई भी काम क्यों ना मिले। यूँ तो इशरत को बनना तो एक एक्टर ही था, लेकिन चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में इनकी कोई जान पहचान नहीं थी इसलिए शुरू में कुछ भी काम करना चाहते थे। एक दिन के एक दोस्त ने इन्हें सपोर्ट बॉय की हैसियत से काम पर लगवा दिया। इन्होंने बिना देर किए मौका लपक लिया। पता चला कि फिल्म की शूटिंग कैसे होती है। इशरत कैमरा यूनिट के असिस्टेंट थे और इनका सामान इधर से उधर उठाना इशरत अली का काम था, और ये चूंकि इस काम से इन्हें फिल्मों में फिल्म मेकिंग का करीब समझने को बढ़िया मौका मिल रहा था, तो ये सभी निष्कोच इस काम को करते रहे। इस बीच इनके आसपास मौजूद लोग जाने चुके थे कि इशरत भी फिल्म में काम करना चाहते हैं। एक दिन किसी ने इशरत अली को बताया कि दिलीप शंकर अपनी फिल्म कालचक्र के लिए नए एक्टर्स में तलाश है। इशरत दिलीप शंकर के पास पहुँचे और इन्होंने वह ऑडिशन दिया। दिलीप शंकर इनसे काफ़ी इंस्पिरेस हुआ। इन्होंने कालचक्र में इशरत अली को यशवंत कातरे का बड़ा रोल दिया। फिल्म में इशरत अली का किरदार यशवंत कातरे एक करप्ट पॉलिटिशियन था जो कि कुछ गुंडे को मदद से अपना राजनीतिक रुतबा कायम किए हुए हैं। पहले ही फिल्म में इशरत को एक बड़ा रोल मिला और इन्होंने अपने टैलेंट से रोल के साथ पूरा इंसाफ किया। फिल्म भले ही ना चल सकी लेकिन इशरत अपनी एक्टिंग से कईयों को अपना मुरीदा बना चुके थे। यशवंत कातरे के रोल में इशरत अली इस गहराई में से उतरते कि इसके बाद ज़्यादातर फिल्मों में इन्हें भ्रष्टाचारी नेता रोल में ही देखा गया। इनके ज़्यादातर रोल निगेटिव ही होते थे, जैसे कुछ फिल्म में ये पुलिस वाले का रोल में दिखे लेकिन इनके रोल भी निगेटिव ही थे। हालाँकि 1990 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म तो मेरे हो में एक सपेरे के रोल में दिखे और ये फिल्म आमिर खान का पिता बने थे। कुछ फिल्म को छोड़ तो दे अधिकतर फिल्मों में इनका करेक्टर विलेन ही होते थे। इनकी कुछ प्रमुख रोल्स की बात करें तो 1994 में रिलीज हुई फिल्म आ गले लग जा में इन्होंने रकाब सिंह नाम के एक साइको किलर का रोल निभाया। इशरत अली इस रोल में बड़ा पसंद किया गया। वहीं फिल्म क्रांतिवीर में विपक्ष के नेता चादर सिंह के रोल में दिखे और यहाँ भी अपनी एक्टिंग का इन्होंने हर किसी को अपना फैन बना लिया। आंदोलन फिल्म में एक बार फिर से आजाद एस पांडे के नाम से करप्ट और सत्ता का लालची नेता बने। इनके युद्ध काफ़ी चर्चाओं में रहा। फिल्म आतंक ही में ये एक बार फिर से आमिर खान का पिता किरदार में दिखे और इस दफ़ा रजनीकांत भी इन्हें बेटे के रोल में थे। इस फिल्म में एक माफिया डॉन बने थे। सनी देओल की ये सुपरहिट फिल्म कदर एक प्रेम कथा में इनके द्वारा निभाए गए काजी का किरदार भले कौन भूल सकता है। इन सब के अलावा ये कई ऐसी फिल्म जिनसे इशरत अली ने बड़े ही कमाल की एक्टिंग की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इशरत अली जैसे दमदार अभिनेताओं के बारे में आज के दौर में बहुत ज़्यादा जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं है। इन्हें कई फिल्म के नाम गूगल पर भी मिलते ही नहीं हैं। बी ग्रेटो में भी फिल्म में काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने वाले इशरत अली ने ढेर सारी बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। इस तरह छोटी बड़ी मिलकर इशरत अली ने अपनी फिल्म करियर में 150 भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 90 के दशक हर फिल्म में ये नज़र आ जाते थे। डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा और बी ग्रेड फिल्मों के बड़े डायरेक्टर क्रांति साहब फिल्मों में इन्होंने खूब काम किया।
इशरात अली की करियर में प्रमुख फिल्मों की बात करें तो नजर आए दंगा फसाद, सतियन, चकमी चमीनी, मीना बाजार, महारानी, हंसते खेलते, गुंडा, दादा और ना जाने कई फिल्म आई। इसके बाद से ये किसी और फिल्म में नहीं दिखे। आखिरी फिल्म इन्हें 2014 में मिली। कम लोग ही इस बात से वाकिफ होंगे कि इशरात अली ने सब टीवी पर आने वाले शो चिड़िया घर में भी काम किया था और इस शो में इनके काम की लोगों ने तारीफ की थी। बात अगर इशरात अली की निजी जिंदगी बारे में करें तो इन्होंने निगार सुल्तान से शादी की और इनसे इन्हें बेटा और बेटी है। इन दिनों इशरात अली ने खुद को बॉलीवुड की दुनिया से दूर कर लिया और ये अब ये अधार्मिक की तरफ बढ़ चले हैं। इशरात अली अब 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और इस जिंदगी के ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं। भले ही इशरात अली ने अब खुद को फिल्म से दूर कर लिया, लेकिन 90 के दशक सिनेमा प्रेमी ने आज भी नहीं भूल सकते और इन्हें सभी के जहन में इनको लेकर सवाल घूमते हैं। आखिर इशरात अली अचानक फिल्मों से गायब क्यों हो गया? एक बात जो इनके फैंस को बुरी लगती है। धन्यवाद। जय जय भारत।